भारत ने लॉन्च किया अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। दोस्तों इंडियन नेवी के पास एक ही एयरक्राफ्ट था जिसका नाम INS विक्रमादित्य था, जो कि हमने रूस से 2013 में खरीदा था। लेकिन वक्त के साथ इंडियन ओशन में भारत के लिए चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और इसके साथ ही चीन भी इंडियन ओशन में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। सेना के पास अभी के वक्त 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है जिसके दम पर वो भारत को चैलेंज करता रहता है। अब भारत ने भी इंडियन नेवी को मजबूत करने के लिए अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट बना लिया है। इसका नाम INS विक्रांत है। INS विक्रांत 30 फाइटर जेट हेलीकॉप्टर हैंडल करने की क्षमता रखता है। पराग सरफेस टू एयर मिसाइल और AK-630 हथियार से लेस है। इसे बनाने के लिए लगभग 2,000 करोड़ खर्च हुए हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि 75% इसमें लगाए गए उपकरण इंडियन ही है। इससे हमारा आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है। अब एक एयरक्राफ्ट कैरियर होते हुए भी भारत ने चीन को इंडियन ओशन में घुसने नहीं दिया। अब तो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी में शामिल हुआ है। चीन को इंडियन ओशन में आने के लिए एक नहीं दो बार सोचना पड़ेगा। दोस्तों इसी जानकारी के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।